अपने लक्ष्यों को लिखें। आप अपने भविष्य के लेखक हैं। अपनी चाहतों के बारे में लिखें और अपनी कहानी को जीवंत रूप से जिएं। एक बार मैंने पढ़ा था कि यदि आप अपने लक्ष्यों को लिखते हैं तो वे आपके लिए और अधिक सत्य प्रतीत होने लगते हैं। यह पढ़कर कौतूहलवश मैंने भी इसे आजमाना चाहा। मैंने इससे संबंधित सभी शोधों के आंकड़ों और उन लोगों की कहानियों को तलाशना शुरू कर दिया जिन्होंने अपने लक्ष्यों को पेपर पर लिखना शुरू किया था और अंततः वर्षों बाद उन्हें सच होते हुए देखा। इसका एक बहुत प्रचलित उदाहरण पेशेवर अमेरिकी फुटबॉल खिलाड़ी क्वार्टरबैक कॉलिन कैपरनिक है। जब वह चौथी कक्षा में थे तो कैपरनिक ने खुद को एक पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने खुद के बारे में यह भविष्यवाणी की थी कि वे बड़े होकर एक पेशेवर फुटबॉल खिलाड़ी बनेंगे। उस समय वे कौन सी टीम के लिए खेलेंगे यह और यहाँ तक कि उन्होंने उसमें अपना वजन व ऊंचाई भी लिखी थी। कॉलिन कोई मनोवैज्ञानिक नहीं थे। वे सब जानते थे कि उनको क्या चाहिए और वह अपने भविष्य के लिए दृष्टिकोण को लेकर पूरी तरह से स्पष्ट थे। इसीलिए आगे चलकर उनकी अपने बारे में सोच उनकी वास्तविकता बन गई। जब आप अपने लक्ष्यों को लिखते हैं तो आप अपनी सोच को कुछ हद तक यथार्थ में बदल देते हैं। उन्हें विस्तार से परिभाषित करें और यह आपकी अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहने में मदद करेगा जिससे कि आप कभी अपने मार्ग से न बढ़ें। जब बात मेरे अपने लक्ष्यों के लिखने की आती है तो इस मामले में मैं बहुत ही भाग्यशाली रहा। बीते समय में मैंने अपने लक्ष्यों के बारे में पूरे विस्तार से एक एक बारीकी को समझते हुए लिखा और वह सब ठीक उसी तरह से घटित हुआ जैसा मैंने उनके बारे में लिखा था। मैं जिस तरह से अपने लक्ष्यों को लिखता हूँ वह थोड़ा सा खास है। मैं यहाँ पर उसका सारा विवरण आपके साथ साझा कर रहा हूँ जिससे कि आप भी उसका इस्तेमाल कर लाभ पा सकें। अपने लक्ष्यों को एक पेन या पेंसिल से लिखें। अपने लक्ष्यों को स्क्रीन पर लिखने के बजाय पेन और पेपर पर अपनी लिखावट में लिखना, आप जो कुछ भी सोचते हैं उसे लिखना आपके मन पर एक चमत्कारी प्रभाव डालता है। जब आप इन लक्ष्यों को अपनी लिखावट में लिखते हैं तो इसका आपके मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है जो आपके लक्ष्य को और भी ज़्यादा बल देता है। ईमानदार रहें। अपने लक्ष्य को ठीक उसी तरह लिखें जैसे आप उन्हें चाहते हैं। अपने आप पर किसी तरह की पाबंदी ना लगाएं या ऐसा ना सोचें कि आप उन्हें सही ढंग से ही लिखेंगे। यदि आपका लक्ष्य कुछ बड़ा है तो इसमें कुछ बुराई नहीं है। बड़ा सोचने का मतलब यह है कि आप कुछ बड़ा प्राप्त करने के लिए तैयार हैं। अपने लक्ष्य को वर्तमान काल में लिखें। जैसा कि हमने दृढ़ विश्वास के साथ कहे जाने वाले शब्दों के साथ किया था, अपने लक्ष्यों को भी वर्तमान काल में ही लिखें जैसे कि आपने उन्हें पूरा कर लिया है। जैसे मैं एक महान गणितज्ञ हूँ, अगर आप यह बनना चाहते हैं तो आपका अवचेतन मन आपके लक्ष्य को पूरा करने के लिए उस रास्ते को चुनेगा जिसमें आपके सबसे कम अवरोधक मिले। उन्हें सकारात्मक बनाएं। याद रखें, हमेशा अपने लक्ष्य को सकारात्मक वाक्यों में लिखें। आप जो चाहते हैं उस पर अपना ध्यान केंद्रित करें, ना कि उस पर जो आप नहीं चाहते हैं। अपनी खुद की आवाज में अपने लक्ष्यों को लिखें। उनको ठीक वैसे ही लिखें जैसे आप उन्हें बोल रहे हैं। भाषा को किसी तरह भी सजाने संवारने की कोशिश ना करें। ये लक्ष्य केवल आपको समझ आने चाहिए, बस आपको ही। उनको इस तरह से लिखें जिससे कि आप आसानी से उनके साथ संपर्क बना सकें। आपको अपने मन में उनका अनुवाद करने की जरूरत नहीं है। आप जैसे उन्हें सोचते हैं वैसे ही लिखें। पूरा विवरण दें। जितना आपके लिए संभव हो उनके बारे में उतना विवरण दें। आपका लक्ष्य जितना स्पष्ट होगा उसका परिणाम भी उतना ही स्पष्ट होगा। याद रखें, आपका अवचेतन मन निरंतर दिए गए निर्देशों पर काम कर रहा है और आपके सामने जो परिणाम आएगा वह उतना ही अच्छा होगा जितने अच्छे उसको दिए गए निर्देश होंगे। यदि आपके लिए संभव हो तो अपने लक्ष्य को अपने मन में बिना किसी टाइम फ्रेम के लिखें। अन्यथा जब आपने अपने लक्ष्य को वास्तविक बनने की अपेक्षा की थी और उस समय वह वास्तविक नहीं होता तो आपका दिल टूट सकता है और आपके मन में उसको लेकर संदेह आ सकता है जिससे आपकी सकारात्मक ऊर्जा का स्तर कम हो सकता है और आप अपने लक्ष्य से दूर हो सकते हैं। हालांकि यदि आप उन लोगों में से हैं जो दबाव में प्रेरित महसूस करते हैं तो उसके लिए तय की गई एक सीमा काम पर लगने में आपकी मदद कर सकती है। यह पूरी तरह से आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर एक टाइम फ्रेम आपके लिए मददगार साबित होता है तो आप उसे शामिल करें, अगर नहीं होता तो ना करें। उन लक्ष्यों को तय करें जिनको लेकर आप आत्मविश्वासी महसूस करते हैं।
अपने अंदर आत्मविश्वास को बढ़ाने का सबसे अच्छा रास्ता यह है कि आप पहले छोटे छोटे लक्ष्यों को पूरा करने के साथ शुरुआत करें। एक बार जब आप एक लक्ष्य प्राप्त कर लें तो बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भी आत्मविश्वास से भर जाएंगे। एक बार जब आप अपने लक्ष्य की पहचान कर लें और अपने लक्ष्य को लिख लें तो उन्हें रोज जोर जोर से बोलकर दोहराएं। यदि ऐसा करने के लिए आपको कुछ छोटी छोटी व्यवस्थाएं भी करनी पड़े तो पीछे ना हटें और इसी तरह आगे बढ़ते जाएं। हालांकि अपने लक्ष्य में बार बार बड़े बड़े बदलाव करना ठीक वैसा होगा जैसे हर बार नए पौधे का बीज रोपा जाए। अतः इस बात का ध्यान रखें, आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए।